सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको आठवीं कक्षा का सातवां पाठ तबीयत की साखियां पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, साखियां पढ़ाने से पहले कभी कौन है ये आपको जानना बहुत ही उचित होगा। तो कबीरदास कभी प्रसिद्ध संत कवि, उनकी जो है आपने बचपन मतलब प्राथमिक कक्षा से ही आपने सुना होगा, है ना। तो आज मैं आपको कबीर की साखियों के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। साखियाँ मतलब क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी जो आँखों के सामने जो घटनाएँ घटित होती है उसको आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा है। उनकी जो भी ज्ञान है यह उन्होंने आपको प्रत्यक्ष रूप से समझाने की कोशिश किया है अपने दोहों के द्वारा। तो बच्चों, कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में का जन्म। तो कबीरदास जी किस शाखा से संबंधित रहते हैं इनके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमें पहले हिंदी साहित्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है लगभग 1000 साल पुराना है। तो बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है आदिकाल और भक्तिकाल, प्रगतिकाल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। तो भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 तक है। तो कबीरदास जी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति में क्या है? ऐसे कवि हैं जो भगवान को एक आकार रूप देते हैं, भगवान को मतलब क्या मूर्ति पूजा करने वाले कवि योग को सगुण शाखा में सगुण धारा में रखे हुए हैं। और निर्गुण में जो निराकार गुणों को मानने वाले कवि हैं जैसे कबीरदास जी, उनका मानना है कि भगवान का कोई आकार नहीं है। उनका वे हर एक स्थान पर रहते हैं, उनका हर एक कण कण में उनका निवास होता है, ऐसा मानना है निर्गुण धारा के कवियों। तो निर्गुण धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया है, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी मतलब क्या है? ज्ञान के संबंधी विषयों को बच्चों को सभी को लोगों को देने के लिए या समाज सेवा के लिए, समाज को अच्छे राह पर चलने के लिए ज्ञान का उपदेश देते हैं, ऐसे कवियों को ज्ञानाश्रयी कवि कहते हैं। तो कबीरदास जी कबीर ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी के अलावा रैदास, रजब, शेख परिवार भी उसी साल में उनका जन्म होने के कारण वे भी भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा में संबंधित कवि माने जाते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके जन्म से संबंधित कुछ प्रचलित कथाएं हैं कि उनका जन्म एक ब्राह्मण विधवा ब्राह्मण गर्भी से हुआ था, औरत से हुआ था। और वह लोग लाज के कारण वह उस बालक को नवजात शिशु को वह लहनतारा नामक तालाब के किनारे छोड़कर चली जाती है। तो काशी के क्षेत्र के निवासी नीरू मीमा नामक दंपति जो मुसलमान थे और वे जुलाहे मतलब है कपड़े बुनना उनका पेशा था। तो वे बहुत ही गरीब थे, निसंतान थे। तो इसीलिए उस बालक को उठाकर नीरू मीमा अपने घर लेकर गए और उनका लालन पोषण किया। वही बालक आगे चलकर कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कबीरदास जी उनके साथी फ्रेंड्स उनके मित्र जो होते हैं सभी खेलों में व्यस्त रहते थे, लेकिन कबीरदास वो अपने मित्रों के साथ खेला नहीं करते थे। वे जो काशी क्षेत्र ऐसा होता है, धार्मिक क्षेत्र है, काशी क्षेत्र कैसा है? धार्मिक क्षेत्र है, पुण्य स्थान कहा गया है। यहाँ पर
का आना जाना होता है, साधु संत फकीर आदि आते हैं। तो कबीरदास इन साधु संतों के पीछे पीछे चले जाना, उनके विचारों को ग्रहण करना, उनके आचार विचारों को ग्रहण करना, उनके ऐसे बातें करते हैं, समाज सेवा के लिए किस तरह से उनका जीवन व्यतीत करते हैं, ये सभी विषयों को उन्होंने ध्यान से उनको देखा और आगे चल कर वे धीरे धीरे उसी संतों की तरह बर्ताव करने लगे। आखिर में वे संत कबीर नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो कबीरदास जी अनपढ़ थे, उन्हें बिना पढ़ना नहीं जानते, और जिस तरह से साधु संत समाज में जो बुराइयाँ होती थी उनको देखकर वे चंचल हो जाते थे और लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर चेतना जागरूक करने के लिए दोहे बोलते थे या कुछ कविताएँ बोलते थे। वैसे ही कबीरदास भी ऐसे दोहे लोगों की रचनाएँ की। दोहे लिखना तो नहीं जानते थे कबीरदास जी, तो कबीर के जो शिष्य थे वे तुरंत इन जो जब भी कबीरदास बोलते थे दोहे तो तुरंत लिख लेते थे। वही दोहे आज हमें बीजक नामक ग्रंथावली में पाया जाता है, पाया मिलते हैं। तो बीजक नामक ग्रंथ में कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए सारे दोहे संग्रहित किए गए हैं। बीजक सा बीजक में साखी सबद रमणी ऐसे तीन भागों में बांटा गया है। तो आज हम साखी पढ़ने जा रहे हैं, साखी में सभी दोहे दोहों को संकलित किया गया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी के गुरु के बारे में कहा गया है कि रामानंद उनके गुरु माने जाते हैं। इनके कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद जी। तो कबीरदास जी भगवान से ज़्यादा गुरु को महत्व देते थे, क्योंकि भगवान को बताने वाले, भगवान के मार्ग को दिखाने वाले सिर्फ गुरु ही है। और ज्ञान जो भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे ज्ञान को देने वाले भी कौन होते हैं, गुरु ही होते हैं। इसीलिए मुझे भगवान से ज़्यादा गुरु ही भगवान से भी ज़्यादा महत्व है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कबीरदास जी की भाषा है सदुपड़ी, सदुपड़ी यानी साधु प्लस कड़ी। तो ये साधु की भाषा है, मतलब साधु संत जो भी आते थे काशी में वो जगह तरह तरह की जगहों से आते थे, जैसे पूर्व पश्चिम की दिशा से आते थे, राजस्थान और ऐसे तरह तरह के स्थानों से आते थे। उनका भी जो बोलचाल की भाषा थी वो भी अलग थी, जैसे अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, इस तरह से सभी भाषाओं का मेल होने के कारण यह सदुपड़ी भाषा या पंचमेल भाषा कहा। तो कबीरदास जी का जन्म उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुआ। ठीक है बच्चों, ये है कबीरदास जी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कबीर की साखियाँ। ठीक है बच्चों, आज कबीर की साखियों में बच्चे सीखने वाले विषय ऐसे हैं, बच्चे समाज में व्याप्त अन्याय बुराइयाँ, आडंबर, अंधविश्वास और जाति धर्म की कुरीतियों पर पहाड़ दहाड़ और मूर्ति पूजा, मोह माया आदि का विरोध, इन विषयों को दोहों के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जो आज हम दोहे पढ़ने जा रहे हैं उसमें जाति धर्म के बारे में कहा गया है, और जिस तरह से भक्ति भावना, स्मरण भगवान को स्मरण करना चाहिए उसके बारे में, और अहंकार को त्याग करने के लिए, ईर्ष्या घृणा को त्याग करने की संदेश दिया गया है। तो बच्चों, पहला जो है दोहा देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को साधु संतों की जाति धर्म के बारे में पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि साधु संतों का जीवन क्या है, परोपकार के लिए होता है, उनका कोई परिवार नहीं होता है, और वह उनका जीवन पूरा भगवान का स्मरण करते हुए, उनके गुणगानों को करते हुए उनका पूरा जीवन उसी में चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान को पूछ लेना चाहिए, उनके अंदर अपार ज्ञान विकसित होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आप किसी साधु संतों की जाति धर्म के बारे में पूछना नहीं चाहिए, अगर पूछना है तो उस साधु संतों की ज्ञान के बारे में और उनके गुणों के बारे में पूछिए,
कहकर कबीरदास जी कहते हैं और आगे कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, जो म्यान में तलवार रखा जाता है। तलवार को रखने के लिए क्या है, म्यान नामक एक चीज होती है, उसके कपड़े से बना हुआ रहता है, उसमें तलवार को रखते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, वह म्यान जो होता है आकर्षण होता है, मतलब आकर्षणीय होता है, लेकिन हमें उस तलवार को महत्व देना चाहिए। मनुष्य उस तलवार की मजबूती को, उसके धार को महत्व देता है, ना कि ज्ञान। हम युद्ध भूमि में जाते हैं तो तलवार को क्या करते हैं, ज्ञान से निकालते हैं और युद्ध करते हैं, ठीक है ना, और ज्ञान को कहीं फेंक देते हैं। युद्ध भूमि में ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती है। उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, साधु संतों की जो जाति धर्म है वो किसी काम की चीज़ नहीं है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, और साधु संतों की जो व्यवहार ज्ञान होता है उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, उनके गुणों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि साधुओं की जो पहचान होती है वह उनकी ज्ञान से होती है। समझ में आ गया बच्चों? तो साधुओं की जो पहचान होती है वो उनकी ज्ञान से होती है, ना कि जाति धर्म से। तो देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल होना, एक उदाहरण मैं भी देना चाहूँगी कि किसी बीमार व्यक्ति को हम अस्पताल में लेकर जाते हैं, तो लेकर जाने के बाद हम डॉक्टर कौन सा जाति का है, धर्म का है, देखते हैं क्या? नहीं, उस इलाज, उस बीमार व्यक्ति को इलाज करना है, बस यही हम चाहते हैं। तो वो डॉक्टर कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, नहीं देखते। और वह डॉक्टर अगर सोचो, डॉक्टर भी ऐसे ही सोचेगा, वो जाति धर्म का है क्या, है हमारे जाति का धर्म का है, तो वो ट्रीट करता है, वो ट्रीट नहीं करेगा तो समझो कि रोगी बच जाएगा, नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें जाति धर्म को इतना महत्व देना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति बोल बोल कर बहुत थक जाएगा और वो एक दिन चुपचाप
पशु की भांति है। तो क्या है, वहाँ अज्ञानता के कारण, वहाँ क्रोध के कारण अपशब्द कहता है। तो मनुष्य को ये सभी क्रोध वगैरह नहीं रहना चाहिए, अपशब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मन को जो भी अगर बोलता है तो मन को शांत धीरज रखकर चुपचाप रहना चाहिए और ना ही उलट कर उसे अपशब्द का उत्तर अपशब्द से देना नहीं चाहिए। तो तीसरा दोहा देखिए, माना तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसु दिशे फिरे यह तो सुमिरन माही। कविता जी कहते हैं कि लोग अक्सर क्या करते हैं, अपनी भक्ति को दिखाने के लिए वे हाथ में माला भूलते हैं। तो जपमाला कहते हैं ना, तो जपमाला से क्या करते हैं, ऐसे फिरते रहते हैं और मुख में जो जीव होता है राम नाम का रट रटते ही रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, लोग दिखावा करने के लिए भगवान को, भगवान की भक्ति हम कैसे करते हैं, देखिए कहकर क्या है, हाथों में माला फिराते हैं, जीव में राम नाम रटते हैं, लेकिन मन जो है चारों दिशाओं घूमता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं ये तो सुमिरन नहीं है, ये तो भक्तिभाव नहीं है। सही में तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, हाथ में माला, मुख में राम का जप करते हैं, तो और मन को केंद्रित नहीं करके भगवान के अंदर श्रद्धा भक्ति की भावना न रखते हुए मन को चंचल रखते हैं, चार दिशाओं में उसे तो यह भक्ति भावना नहीं कहलाएगी और भगवान की प्राप्ति नहीं होगी इससे। तो कविता जी कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, उनका स्मरण करना चाहते हो, तो पहले आपके मन को एकाग्रता की ओर ले जाना चाहिए। मतलब क्या है, मन को भगवान के ऊपर केंद्रित रखना चाहिए, जिससे क्या है भक्ति पूर्ण कहलाएगी, उसमें भक्ति भाव जागृत हो जाएंगे और आसानी से इस व्यक्ति को भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कहते हैं कविता जी को मन को एकाग्र चित्त रखने की बात कही गई है। यहाँ पर बच्चे क्या, लोग क्या करते हैं, मन तो चारों एक काम करते हैं, मतलब क्या है जाप करते रहते हैं, भगवान को याद करते हुए बैठे हैं एक काम करने के लिए, लेकिन मन तो चार काम करता है, घर में क्या पका रहे हैं, मुझे ऑफिस में क्या काम करना है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे चार काम, मतलब वो चार विषयों के बारे में वह सोचता रहता है। तो यह कोई सुमिरन कहलाने के योग्य नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति तब होती है जब मन को हम एकाग्रता से या केवल मन को भगवान के ऊपर केंद्रित रखेंगे, तो ही भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। और अगला चौथा दोहा देखिए, कबीर घास ना में दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी गुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को भी छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, घास का जो तिनका होता है वह हमसे कई गुना छोटा होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, ध्यान की वजह से या अहंकार की वजह से वह क्या करता है, वह तुच्छ तिनके को भी वह क्या समझता है, बहुत कम नीच भावना से देखता है और सोचता है कि ये तो जो तिनका है ये हमारे पैरों तले दबने वाला है, दबा हुआ रहता है, इसकी क्या औकात है, लेकर उसकी अवहेलना करता है मनुष्य। लेकिन कविता जी कहते हैं वही तिनका जब धूप में सूख कर वह हवा के द्वारा उड़ कर वही तिनका अपने आँखों में गिर जाता है, तो देखिए कितनी पीड़ा हो जाती है, कितना दर्दनाक दुख हो जाता है। कभी कभी इंसान की वहाँ आँख भी चला जाता है और अंत में जान भी चला जाने की क्षमता रहता है तिनके में। तो कविता जी कहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को या कम नीचे जो कम जाति वाले होते हैं, कम श्रेणी व्यक्ति वाले होते हैं, उनको कम भावना से नहीं देखना चाहिए। यहाँ छोटा बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, सभी की अलग अपना अपना स्थान होता है, सभी को अपना अपना सम्मान होता है। तो इसीलिए कविता जी कहते हैं कि हमें छोटे व्यक्ति हो या अधम जाति के भी हो, निम्न श्रेणी के व्यक्ति हो, सबको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, और अंतिम दोहा देखिए, जग में गौरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को दाही दे दया करे सब कोई। तो ये अंतिम दोहा है
मन के अंदर अहंकार घमंड नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों के कोई भी शत्रु नहीं होते हैं, क्योंकि वो विनम्र प्राणी बन जाता है, उनके मन शीतल होता है, अहंकार नहीं रहता है, तो वो विनम्र हो जाता है, सबको सम्मान करने योग्य हो जाता है। इसीलिए उसका सामने वाला व्यक्ति कितना बड़ा शत्रु क्यों न हो, वह दोस्त में बन जाता है, बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका मन, जिसके मन में अहंकार की भावना, घमंड की भावना नहीं रहती है, तो वैसे व्यक्तियों की कोई शत्रु नहीं रहते हैं, सभी उनके मित्र बन जाते हैं और सभी उन पर दया की भावना रखते हैं। तो बच्चों, ये है कबीरदास जी की साखियों के दोहे। दोहा का मतलब यह है दो पंक्ति वाला, या देखने के लिए बहुत ही छोटे होते हैं कबीरदास जी के दोहे, लेकिन उसमें भाव बहुत ही गहरा होता है। और ये जो दोहे होते हैं समाज सेवा के लिए और समाज के लोगों में चैतन्यता लाने के लिए यह दोहे हैं। तो बच्चों, घर में कबीरदास की जो साखियाँ हैं उसे रखिएगा, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।